बोलने के बाद भी हमको प्रस्ताव लाने से रोका जा रहा है। इसलिए रोका जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के लिए दुविधा ना बन जाए। और बीजेपी क्योंकि सदन से पास कर चुकी है सर्वसम्मति और केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है, वो मना कर दे रही है। तो हम लोग ये चाहते हैं, अभी हमने सभी विपक्ष के नेताओं से भी हमने बात की है, हम ये प्रस्ताव देना चाहते हैं कि भाई बिहार विधानसभा दो बार जब पारित कर चुका है तो ये हमारा अंतिम मंजिल तक हम लोग इस मुकाम को। भारतीय जनगणना को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा के अंदर कार्य स्थगन लाया था और इसको लेकर जो है वो सदन में इस पर बहस करने के लिए कहा गया था। लेकिन जिस तरह से बात कर ले कि जो जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बयान सामने आया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, केंद्र सरकार से हम आग्रह करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब जब सदन से दो दो बार ये प्रस्ताव पारित हो चुका है उसके बावजूद भी केंद्र सरकार मना कर दी है, तो या तो राज्य सरकार जो है वो एक डेलीगेट्स बनाए जो जिसमें नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के तमाम लोग शामिल रहेंगे, या फिर राज्य सरकार अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराए। इस पर आज तेजस्वी यादव अपने तमाम घटक दल जो हैं महागठबंधन में उसके साथ बैठक भी कर रहे हैं, और उसके पहले तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है बैठक से पहले, सुनिए पूरा बयान। आज बिहार विधानसभा का मानसून सत्र का चौथा दिन, जहां हम लोगों ने खुद मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने का काम किया। ये कार्य स्थगन प्रस्ताव आप लोग सब लोग जानते हैं कि जातीय जनगणना को लेकर के जो हम लोगों की मांग रही है, इस पर बिहार विधानसभा में लगभग दो बारी जो है सर्वसम्मति से यानी सब दल के लोगों ने पास किया है। इसमें पिछड़े समाज या अति पिछड़े समाज और अन्य जातियों का छोड़ दिया गया है। आप लोग जानते हैं कि कुत्ता बिल्ली से लेकर के जानवरों से लेकर के हर धर्म के लोगों की गिनती होती है, प्लस SC ST की तो होती ही है, लेकिन जो बाकी की जो जातियाँ छूट गई हैं इसको लेकर के हम लोगों की शुरू से मांग रही है कि भाई जो शोषित परिवार है, जो अंतिम पैदान पर है, जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक आप उनके लिए बजट में एलोकेट नहीं कर सकते, कोई आप योजना नहीं बना सकते। तो जानकारी होगी तो उसके हिसाब से उनके लिए योजना बनेगी और उनके लिए आर्थिक न्याय के लिए जो हो सकेगा योजना बना करके उन गरीबों को, उन व्यक्तियों को हम लोग जो है लाभ पहुंचा सकते हैं। इसमें आप लोगों ने भी कई बार प्रतिक्रिया देखी होगी मुख्यमंत्री जी की भी, नीतीश कुमार जी की। मुख्यमंत्री जी तो पार्ट है NDA का, मुख्यमंत्री जी तो हिस्सेदार हैं NDA का। वो कहते हैं मुख्यमंत्री जी कि भाई होना चाहिए, लेकिन करेगा कौन? यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है बिहार में। केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से लिख करके मना कर दिया है कि नहीं गिनती कराई जाएगी OBC या अन्य जातियों की, अति पिछड़ों की। हमारे ये मांग है, हम चाहते थे कि सदन में प्रस्ताव लाएं, लेकिन बार बार बोलने के बाद भी हमको प्रस्ताव लाने से रोका जा रहा है। इसलिए रोका जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के लिए दुविधा ना बन जाए। और बीजेपी क्योंकि सदन से पास कर चुकी है सर्वसम्मति और केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है, वो मना कर दे रही है। तो हम लोग ये चाहते हैं, अभी हमने सभी विपक्ष के नेताओं से भी हमने बात की है, हम ये प्रस्ताव देना चाहते हैं कि भाई बिहार विधानसभा दो बार जब पारित कर चुका है तो ये हमारा अंतिम मंजिल तक हम लोग इस मुकाम को पहुंचाए। और इसमें जिन कारण से नहीं हो रहा है, केंद्र सरकार ने क्यों मना किया, नहीं मना किया, तो हमने ये प्रस्ताव दिया कि भाई एक विधानसभा की कमेटी बने, भले ही मुख्यमंत्री उसका नेतृत्व करें और प्रधानमंत्री से समय लेकर के हम लोग मिलने वहाँ जाएं और ये हम लोग डिमांड जो है प्रधानमंत्री के सामने रखें।
अभी फिर से हम लोगों की बैठक होने वाली है विपक्ष के नेताओं के साथ, और हम लोग बैठक में यही फैसला हम लोग लेना चाहेंगे कि भाई मुख्यमंत्री से मिल कर के, क्योंकि सदन में हर एक प्लेटफॉर्म में हम लोगों ने कोशिश कर लिया, क्योंकि ये मुद्दा आप लोग जानते हैं लालू जी शुरू से ही उठाते रहे हैं, हमारी पार्टी हमेशा से उठाती रही है, और जब मुख्यमंत्री को एतराज़ नहीं है तो हम लोग कम से कम मुख्यमंत्री से मिल कर के ये बात कहें कि आप प्रधानमंत्री से मिलने का समय लीजिए, एक डेलीगेशन बिहार विधानसभा का, हम भी उसमें शामिल होंगे, सब दल के लोग शामिल होंगे, क्योंकि सर्वसम्मति से पास हुई, प्रधानमंत्री से मिल कर के ये मांग करें कि जो बाकी के जो छूटे हुए जातियां हैं उनको भी इंक्लूड कराया जाए। अगर मुख्यमंत्री के पास पहला प्रपोजल ये, दूसरा प्रपोजल हम लोग ये मुख्यमंत्री जी के पास रखना चाहते हैं कि अगर आप नहीं डेलीगेशन बनाइएगा और नहीं जाइएगा तो आप पक्षधर हैं, जैसा कि आपके बयानों से हम लोगों ने देखा, तो आप राज्य सरकार जैसे कर्नाटका सरकार ने अपने खर्चे पर गिनती कराई है तो आप भी राज्य सरकार घोषणा कर दें कि बिहार सरकार जो है जाति जनगणना अपने खर्चे पर कराई। तो इसको लेकर के हमारी अहम बैठक अभी हमारे चैम्बर में होने वाली है जिसमें कि विपक्ष के नेता हैं, फिर हम लोग जो है मुख्यमंत्री से समय मांगेंगे। अब समय देखना है वो आज देते हैं या कल देते हैं, लेकिन ये दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है बिहार के हित में है, इसीलिए सर्वसम्मति से सभी दलों ने पास किया है, जो गरीब हैं उनके हित में है इसीलिए सर्वसम्मति से ये पास किया गया है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये काम हो और इस पे हम लोग सब लोग बैठ करके भी चर्चा करें। तो ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, और कम से कम ये दुखद है, और इससे ज़्यादा तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है, बिहार महापुरुषों का महापुरुष यहाँ कर्मभूमि रही है, गांधी जी की भी कर्मभूमि रही है, गौतम बुद्ध महावीर से लेकर के जैन से लेकर के सब लोगों ने यहाँ सब काम किया है, इसलिए हम लोग सब लोग पहला विश्वविद्यालय नालंदा जो है यही है बिहार में। तो बिहार के लोग मेहनती होते हैं, बिहार के लोग सबसे ज़्यादा अगर IAS IPS भी देखा जाए तो देश को बनाने का भी काम बिहारी करते हैं और देश को चलाने का काम भी बिहारी करते हैं। तो अगर कोई ऐसा बयान देता है तो हम लोग खेत पर